बढ़िया चल रहा होगा भाई। यहाँ पर जो है ना बवाल मचा हुआ एकदम। मतलब लास्ट एपिसोड तो बवाल था, नहीं देखा तो जाके देख लेना एंड ये वाली वीडियो पूरी देखना। एंड जाके चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, जाके प्लेलिस्ट चेक करो, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एनिमे रिएक्शन पे, अलग अलग एनिमे पे जाके देखो एंड वीडियो को एंजॉय करो, लाइक करो, शेयर करो, लेट्स गो करो। मुझे पहले से पता था, किस मुझे पता था ये ज्यादा क्या ताकतवर है, लेकिन इतना ओ भाई, ताकतवर ये इसने नहीं इसको चैलेंज किया था ना, पता तू कुछ भी मेरे को एक खरोच भी मारेगा तो तेरे को जिता दूंगा। और वो बिल्डिंग से गिर रहा है, वो उसके पीछे एकदम वो डेविल हसी के साथ आ रहा है, क्या करने वाला है पता नहीं। ओ सो हम यहाँ आ गए ये फुशी शाम छत्ती के ब्रो बिना और इतना तेज टोची है। पर, वहां इस छोड़ मामले में के तो ये माँ की सीनियर से भी बेहतर है। बहुत ज्यादा काश बेहतर है यार कम से कम ये। इनुमा की सीनियर की वजह से गैर जादूगर और राक्षसों में बदलने वाले लोग अब सेफ हैं। अब सोचना होगा कि मैं इसे कैसे हराऊं कैसे और हरा सकता है उसको, तू नहीं कैसे हरा पाएगा जीतूं। यार इसको, तो मेरे को पता है। फ्लीइंग नहीं हेयर्स, ठीक है, ये तो सुकुना की उंगलियों की एनर्जी थी। आखिर यहां शिबुया में ये चल क्या रहा है? ओ सुकुना तो आ ही गया है, तो मतलब रैबिट इतने सारे निकाले इसने, बच गया। बट ये इसको क्यों मारना चाहता है स्पेशली, इसको अलग लेके आया है खुशी ब्रो को और इसको मारना चाहता है, वाई? इसका मेरे को कोई आंसर मिलेगा या बाद में मिलेगा? तुम लोग कमेंट में स्पॉइलर मत देना अगर ऐसा कुछ होगा तो। कैसे मार रहा है रैबिट को? नो, इसको मारने वाला नहीं मार रहा है इसको, वैसे मार जान से मारने वाला नहीं मार रहा है शायद, अगर जैसा मेरे को लग रहा है देख। ओ यार भाई, ये मेरा भी फेवरेट बन जाएगा अब लग रहा है यार, इतना ज्यादा तगड़ा है यार ये देखो, बस बस वो जो पीछे से निकला वही मार रहा है और सारे इसके रैबिट उड़ाती है, और ये जब खून के साथ गिरते ये नेक्स्ट लेवल होता है। पांडा, इसके पीछे 3 लोग हैं, इसके और साथी आसपास ही होंगे। मैं भी अपनी जान नहीं गंवाना चाहता, लेकिन इतनी आसानी से हार भी नहीं मान सकता। क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? अच्छा होगा कि हम तसल्ली से बात करें। उसकी फटी पड़ी है, वो नहीं लड़ सकता। और यहाँ का भाई पता नहीं इसको फेंक फेंक के मार रहा है ये खुशी ब्रो को। भाई गाड़ियां फेंक फेंक के मार रहा है यार, वो पत्थर गिट्टी थोड़ी है जो इतनी इतनी चीजें थोड़ी है तो बहुत ज्यादा ये मैं लंबी यार चली तो पार हो पक्का मारा जाता। जाऊंगा, मुझे इसे जल्दी हराना होगा। और बस एक बात है जो मेरे फायदे की है। प्रिंसिपल, क्या मेरे पास आपके शापित गुड्डे हैं, तो मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। यहाँ शापित गुड्डे तुम्हें बचा नहीं पाए, और दुश्मनों को इस जगह के बारे में पता चला तो यहाँ भी हमला कर दे। वैसे तो सातोरू भी अपनी बलगवान गुड्डे तो शापित बहुत हड्डी से ज्यादा लोगों के जख्म भर साले सकता कुछ कर है, लेकिन अगर तुम पाएंगे यहाँ ना होती तो इनो और इजीची दोनों मारे जाते। उनकी जान इसलिए बची क्योंकि आप मुझे यहाँ वक्त पर ले आए। नानामी का इंतजार करते तो वक्त पर नहीं पहुँच पाते। नानामी को आजादी से तो काम करने मर गया, देना हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। मारे गया ना नामी बैस किया। मैंने सुना था तुमने स्मोकिंग छोड़ दी है। मैं बस वो वक्त याद कर रही हूँ जब मैं भी स्टूडेंट हुआ करती थी। भाई क्यों पड़ा हुआ है यार उसके पीछे, वाई ब्रो? अब ये करंट मारने वाला है, बट उसको लगेगी। भाई वो नहीं छोड़ने वाला तेरे को। लेकिन इसमें उतनी स्पीड है जितनी सुकुना में थी। इससे लड़ने के बजाय इसकी टाइमिंग पर ध्यान देना होगा। टाइमिंग गलत हो गई तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी थोड़ी सी भी गलती मुझे मरवा देगी।
लगी 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 नो कुछ तो जैसा कि मैंने कहा था भाई उसने घुसा दिया अब क्या करूं? और वो भी मारने वाला था बट नहीं मार पाया आपको पता है मेरा एक बेटा है और उसकी जादुई शक्तियां बहुत खास हैं जब वो 5-6 साल का हो जाएगा और उसकी तकनीक दिखने लगेगी तब उसे आपको दे सकता हूँ लेकिन मुझे उसकी अच्छी कीमत भी चाहिए उसमें खानदानी तकनीक हुई तो मैं 8 लूंगा और दूसरी कोई तकनीक हुई तो 7 खानदानी तकनीक हुई तो ये बेचने वाला था अपने बेटे को प्यार ही नहीं था भाई बेटे से अपने है बदसलूकी हुई लेकिन उसकी वहाँ अच्छी परवरिश होगी क्योंकि उसमें काबिलियत है खैर जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता खैर जो भी हो उसको लाके भेज दूंगा पैसे ही पैसा होगा और ये बैठ के अभी वही सोच रहा है तुम्हारा नाम क्या है फुशिगुरो तुम्हारा नाम ज़ेनिन नहीं है क्या चलो अच्छी बात है भाई इसने अपने आप को मार लिया अजीब बात है उसने उसकी बॉडी को मार दिया जिसके ऊपर पोजेस था लेकिन उसने क्यों किया ऐसा यार अभी इस बारे में सोचने का वक्त बट वाई मुझे जल्दी ईरी मैम के पास सोचने का वक्त साला सोचने का वक्त ही वक्त देखता हूँ माँ की पूरे वक्त तो यही सोचूंगा मैं ओए ये बच गया ये हरामी यार कसम से ये साड़ा साला मीठा का औलाद भैंस की आंख इसकी साड़े की कोई मारो भाई इसके पीछे से इसको चाहिए ये साड़ा बच कैसे गया भाई ना नामी ने इसको जो मारा था ना फेंक के लगा था खत्म ही हो जाएगा यार नहीं हमें भले ही सब दिमाग खराब कर रहे हैं सबके सब लेकिन जब दुनिया में वो खतरनाक जंग शुरू होगी तो उसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ेगी जो जादूगर नहीं है तब जिंदा रहने के लिए ताकतवर होना जरूरी होगा सारे कमजोर चूहे मारे जाएंगे सिर्फ जादूगर बचेंगे जो शापित शक्तियां खत्म करेंगे पांडा वांडा वाले गेटो सर बिल्कुल ऐसी ही दुनिया बनाना चाहते थे हमें उनका साथ देना होगा मुझे गेटो सर के शरीर से कोई मतलब नहीं अगर उनकी कद्र है तो उनका मकसद पूरा करेंगे जबरदस्ती अपनी सोच को हम पर मत थोपो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती जिस इंसान से मैं प्यार करती थी उसे ज़ॉम्बी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है गेटो सर की महान कहानी खत्म हो चुकी है ये दोनों तो निकल लिया क्या ही मारा था लास्ट एपिसोड में इन दोनों को मजा आ गया था देख के मतलब बुरा लगा था इन दोनों के लिए लेकिन देख के तो मजा आया था ना ये लगता है कि तुम समझदार हो और मैं बच्ची हूँ तो चलो फैसला करते हैं ये तुरंत बात बात पे एक फोटो खींचने के लिए निकाल लेती है अब बस करो दोनों शांत हो जाओ सुगुरु को ये देखकर सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं तुम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है इसलिए अब हमें अपने रास्ते ही अलग करने होंगे हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे तुम क्या करोगे लरियो मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा जैसे कि मिगेल ने की थी मैं तो बस ये चाहता था कि सुगुरु सारी दुनिया पर राज करे लेकिन तुम सब लोग ये याद रखना हम सब एक परिवार हैं किसी दिन किसी जगह फिर से एक दूसरे से जरूर मिलेंगे हम वो लोग हैं जो गेटो सर का मकसद पूरा करना चाहते हैं अगर तुम जुजुत्सु से हो तो हमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम लोग हार मानोगे या नहीं मर्द हमेशा तुरंत फैसला लेते हैं मैं तो लड़ो साड़ो मुझे क्या इन्होंने बात मैं तो पांडा हूँ ये तुम्हें बोल रही है खैर अब जो भी हो ये लोग काफी ताकतवर लगते हैं यही सही मौका है मैं इनसे लड़ते हुए काफी वक्त काट सकता हूँ फिर मुझे आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा का जादू लाए लड़ना आता भी है कि ऐसे ही तो तुम लड़ना चाहते हो इवनिंग मून कई मेरे को ऐसा
तो नहीं है ना कि ये साला जब से चूतियापंती कर रहा था तो मैं इसको चूते समझ रहा था और ये कुछ और ही निकल जाए। इसने लाइट बंद कर दी सारी। नहीं इसने नहीं करी। किसने करी है? उधर ब्लास्ट हुआ है भाई। क्या भाई ये क्या कर रहा है और ये कौन हंस कौन रहा है तुम्हें गंदी तरीके से। उस पर हमला करो। अगर एक भी वार करने में कामयाब हुए तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। चलो ऐसा करते हैं। तो उसने वार किया एक इंसान को मार। अच्छा उसने ही तो नहीं ब्लास्ट किया है। वो ब्लास्ट आग वाला करता है ना। देखते हैं। इतना ही दम है क्या? अभी दिखाता हूँ। उसके भाई हाथ ही उड़ा दे रहा है वो अटैक करने से पहले। तो अटैक क्या करेगा वो? ये भाई ये कौन चला रहा गोलियां? वही चला रहा था। वो दिखा रहा कि कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है आसपास का है ना। और ये देखो क्या मस्त फिर उड़ा दिए उसके हाथ। और अब ये कैनन बहुत ज्यादा तगड़ा था। बट वो भी फेंक फेंक के मार रहा है सुकूना उसको। ये कहाँ गया वो? पताल में कितनी उंगलियों की ताकत होगी? मुझे लगता है कम से कम 8 या 9 उंगलियों की ताकत होगी। ओ सुकूना की 8-9 उंगली की ताकत बराबर है वो। ओ मुझे पता था ये ज्यादा ताकतवर है। ये देखो क्या कर रहा है भाई। इसने ही किया है और ये सर्फिंग कर रहा है। उसके पास तो जा ही नहीं रही उसकी अटैक तो कैसे लगेगी उसे? ये लगी। हल्का खून निकला शायद में भी। पूरा शहर भैंस की डुबा दिया इसने लावा में बिना सोचे समझे जस्ट बिकॉज कि वो सुकूना को हल्का सा मार सके। भाई वक्त जो देख रहे हो इतनी ज्यादा तगड़ी हो रही है यहाँ पर। भाई सही में यार ये बहुत ज्यादा पावरफुल है यार। सुकूना से इतनी देर भी टिक गया बहुत बड़ी बात है भाई। मुझे पता था हम दोनों की ताकत में बहुत ज्यादा फर्क है लेकिन इतना फर्क ये नहीं पता है। ये वाला सीन था जो स्टार्टिंग में शायद देखने को मिला था हमें। ये ले। लो भाई हम ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं। जबड़ा तोड़ दिया है इसका भाई। क्या हुआ? बस इतना ही जोर था क्या? मैं तब तक तुमसे मुकाबला करूंगा जब तक मेरा मन नहीं भर जाता। तो मतलब इसके मरने तक तो पक्का मारे जाएंगे। चलो भागो। तुम कहाँ भाग रहे हो? भागो नहीं साड़े उसके चेले तो लड़ना पड़ेगा। ये ले अभी उनकी फाइट खत्म नहीं हुई है भाई। और इतना ज्यादा सही लग रहा है ना वो जब ब्लास्ट हो रहा है। ये देखो ये फायर बॉल उसकी फटी पड़ी है। तबाही का फरमान वो अपनी तरफ पूरा खींच रहा है। आग का जलजला मैं ऐसी पूरी पूरी शहर की माँ मैंने कर दी इन लोगों ने भाई। ओए रुक जा मार दिया गए। मेरा हुक्म है कि यहाँ से 100 मीटर के दायरे में कोई भी तब तक नहीं हिलेगा जब तक मैं भागो ना कहूँ। और मेरी बात नहीं मानी तो मैं मार डालूंगा। गेम खेल रहा है भाई। थोड़ा सब्र करो। ओके ठीक है भागो। क्या करने वाले हैं? भागो भाई। उसने क्या उसने भगाया या क्या किया उनके साथ पता नहीं भाई। इस बार से सुकुना को भी चोर तो लगनी ही चाहिए। बस देख रहे हो तो बस उसको थोड़ा सा चोट लगाने के लिए इतनी सारी चीजें करी है इसने और यहाँ पे बैठा। मुझे पता है छलावे की दुनिया की लड़ाई में मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगा क्योंकि गोजो के साथ भी तुम हार गए थे।
सच में डरपोक लेकिन अव्वल दर्जे के दर्द मुझे बहुत पसंद आया। तुमसे तुम्हारे तरीके से ही लड़ूंगा। ओके समझे फुगा। अरे ये तो फ्लेम के तरीके से आग है। वो मुझे लगा तुम अपनी तकनीक से सिर्फ लोगों को काट सकते हो। ऐसा क्या? मुझे लगा मेरी शक्तियाँ सबको पता है पर तुम्हें तो कुछ नहीं पता। शापित शक्ति फिक्र मत करो, अपनी तकनीक का राज बताना कमजोरों का काम है। तैयार हो जाओ। अब क्या करना, इसकी वाइब लेने वाला है। फायर पावर का, फायर पावर का, और फायर पावर तो उसका है लेकिन इसके सामने ना चलने वाला उसका भी फायर पावर। ये दोनों तो यूज करने वाले हैं, देखते हैं क्या यूज करेंगे। जितने भी शीशे गिर रहे थे जितने भी सारे सब चीज फायर बन गई भाई। एनिमेशन देखो क्या मस्त लग रहा है यार, बहुत ज्यादा तगड़ा एनिमेशन है यार। साड़ो सीन चेंज कर देना, तुम्हारी माँ की है, तुम नहीं मानोगे। आराम करो। दागोन माँ ही तो अभी भी जिंदा है। इंसान मौत से डरते और ये दोनों तो मर चुके हैं, जबकि मौत के बाद की दुनिया में भी उन्हें इंसान ही मिलते हैं। इंसानों के लिए मौत एक आईने जैसी है और माहितो वो आईना है। माहितो धीरे धीरे हमारे बीच सबसे ऊंचा दर्जा दिया था, है ना? जब हम सबका फिर से जन्म होगा तब हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे हम अभी हैं, लेकिन फिर भी मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब हम फिर मिलेंगे, क्योंकि असली इंसान हम ही है। ये क्या बकवास, इसकी बैक स्टोरी दिखा रही। तुम इंसानों की तरह बनना चाहते हो? सुकुना घुस गया। हाँ मैं जानता हूँ तुम इंसान नहीं बनना चाहते, बस उनकी जगह लेना चाहते हो। सही कहा ना? मैं फिर भी यही कहूंगा तुम बेवकूफ हो। इंसानों की फौज, शापित शक्तियों की फौज, तुम सब एक दूसरे से लड़कर अपनी काबिलियत साबित करना चाहते हो, इसलिए कमजोर और निकम्मे होते जा रहे हो। तुम्हें सब जलाकर राख कर देना चाहिए था, बिना कुछ सोचे सब कुछ जला देना चाहिए था। अपने पराए सबकी फिक्र छोड़कर जब तक तुम गोजो तक नहीं पहुंच जाते, पर तुम में अपने मकसद को पाने की वो जबरदस्त भूख ही नहीं है। शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी तुमसे लड़ने में थोड़ा तो मजा आया। हजार साल पहले ताकतवर इंसानों, जादूगरों और शापित शक्तियों से लड़ाई की और उनके मुकाबले तुम काफी काबिल योद्धा निकले। नाज है तुम पर। तुम भाई सुगुना से कॉम्प्लीमेंट मिला है भाई उसको, बहुत ताकतवर हो। लो भाई अब ये क्या चीज है, आंसू गिर रहे हैं। अच्छा सवाल है, इसको पता अच्छा रोया नहीं होगा कभी, मतलब कि इस वजह से उसको। कौन हो तुम? मैं आपका स्वागत करने आई हूँ हुजूर सुकुना। उराव में बड़े लंबे वक्त के बाद मिले हैं। ऐसी की तैसी? अरे यार अब होश में आओ निकम्मे जादूगर। साढ़े तूने उसको पीछे से मारा था, निकम्मे जादूगर कर रहा है भाई। यहाँ पर क्या हुआ यार भाई, दिमाग खराब हो गया भाई भाई भाई। देखो मेरे को एक बार को शक तो हुआ था कि जब वो अपने उन दोनों से दोस्तों से बात कर रहा था तो मेरे को शक तो हुआ था कि ये बात कर रहा है यानी इसका कुछ डी एंड होने वाला है, लेकिन फिर मेरे को लगा नहीं यार इतने जल्दी डी एंड कैसे हो सकता है उसका, मतलब अच्छा लड़ता है। लेकिन भाई
सुकूना के सामने है और सुकूना जब जब बोल दिया उसने कि दोनों एक दूसरे से फ्लेम पावर करते, लेकिन जाते जाते जैसे मदारा ने उसको बोला था ना एट क्या नाम है माइट गाय को कि तुम बहुत पावरफुल, आई डिक्लेयर यू द मोस्ट पावरफुल, एंड उसी तरीके से यहाँ पर भी इसने इसको बोला है जो कि उसके लिए बहुत अच्छा था, एंड उसको रोना भी आ गया, एंड उसको पता ही नहीं था वो आंसू क्या है, एंड उसके बाद जो इनकी बातचीत चल रही थी उसके बाद सडनली वो जो एक कैमरा एंगल पीछे आया एंड उसके बाद उसकी बॉडी पूरी जलते हुए दिख रही थी, मतलब लेकिन देखो उसने मारे तो काफ़ी सारे लोग थे जला जला के, एंड मेरे को काफ़ी ख़राब भी लग रहा था, इस पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन अभी जो है लास्ट में पता नहीं उस पर गुस्सा नहीं आया, उसके लिए ख़राब ही लगा जिस तरीके से वो मारा है जल के, एंड मेरे को नहीं पता था ये मारने वाला है, मेरे को लगा था उनकी गोजो के साथ ही लड़ाई होगी, लेकिन गोजो तो अब कैद है, एंड मेरे को नहीं पता कब छूटने वाला है, ऑलमोस्ट हम पता नहीं सीज़न ख़त्म करने वाले हैं, सीज़न ख़त्म ही होने वाला है, 7-8 एपिसोड रह रहे होंगे, लेकिन अभी तक वो कैद ही है, एंड निकलेगा क्या, मतलब शायद लास्ट में निकले एंड सुकूना से लड़ाई हो, तेरी बहन की तेरी बहन तेरी बहन, पता नहीं ये हमको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यार एपिसोड भाई, नेक्स्ट लेवल माइंड ब्लोइंग चल रहे हैं, एंड इसी वजह से मैं ज़्यादा एपिसोड देख भी नहीं पा रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यार ये एक एक एपिसोड ऐसा चल रहा है कि मतलब एक एक मिनट एक एक सेकंड भी मतलब कट करने का मतलब ही नहीं बनता, नहीं होगा, एंड बड़ी वीडियो बन जाएगी, दो अटैच कर दिए, तो इसी वजह से भाई सुकूना आ चुका है बाहर और ये हो चुका है पागल, एंड मतलब ये क्या करने वाला आगे और मेरे को नहीं पता, लास्ट में कौन लड़की आई थी मेरे को नहीं पता, एंड वो जो मीठा उसने जो फूसी ब्रो को पीछे से मारा था, एंड वहाँ पर टोजी ने अपने क्यों मार लिया यार, मतलब क्या इतनी सारी कंफ्यूजन चल रही है ना, मेरे को सही में समझ नहीं आ रहा, या समझा समझा के ये कर रहे हैं या बिना समझाए कर रहे हैं, मेरे को कॉमेंट में बताना ठीक है। तो गाइज मज़ा तो बहुत आ रहा है, समझ कम आ रहा है ठीक है, तो आगे देखते हैं और कितना मजा आने वाला है, शायद भाई बढ़ते जा रहा है मजा, लेवल बढ़ते जा रहा है, तो आगे और ज्यादा मजा आने वाला है, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना, जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करना ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ चेक करो, बहुत सारे एनिमेज के रिएक्शन डाल रखे हैं, अपने फेवरेट एनिमे देखो, एंड आगे अभी स्टार्टिंग किया तो आगे और भी एनिमे देखेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।